Hey everyone, this is Sushant watching the Chemistry Academy. So today we are going to discuss about the processes of recombinant DNA technology. आज हम discuss करने वाले हैं processes, only processes. Last video में हम लोगों ने कुछ introduction videos डाले थे biotechnology के, आपने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा. एंड आज मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कि आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे. हालांकि ये वीडियोज अभी स्टार्टिंग में आपके लिए होंगे कि आपको नॉर्मली स्केड्यूल वीडियोज मिल जाएंगे, बट जल्दी ही मैं इसे लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, एंड अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसके प्रोसेसेस के बारे में ही सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम लोग देखते हैं कि कितने मेन स्टेप जो होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो इन्वॉल्व होते हैं, इनकी हम लोग बात करते हैं. तो जो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे हम कह रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी. ये मतलब यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कर रहे हैं, ठीक है. द सेकेंड स्टेप इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए. आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे ये था कि डिजायर्ड जो पीस आपका होगा उस डिजायर्ड पीस को आपको या डिजायर्ड सेगमेंट को आपको डीएनए को निकालना होगा, किसी प्लांट से, किसी एनिमल से, जहां से भी आपको निकालना है. जैसे मान लो कोई राइस है, उसमें कोई विटामिन का जो अमाउंट है, जीन है जिसकी वजह से अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको निकालना है, किसी और प्लांट में डालना है, या किसी स्पेसिफिक कलर के लिए कोई जीन है या किसी और दूसरे करेक्टर के लिए जीन है, तो उस जीन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा. तो दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमें करना है. हम डिटेल में भी करेंगे अब इसकी बात. फिलहाल हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए की बात करेंगे बेटा. इसमें हम अपने डीएनए के पीसेस को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. एंड द वेरी थर्ड स्टेप जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम आइसोलेट करेंगे इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, एंड आफ्टर दैट हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी उसे हम नंबर या कॉपीज में बढ़ाएंगे, है ना, कॉपीज बनाएंगे उसकी यूजिंग पीसीआर. यहाँ पे हम लोग पीसीआर का यूज करने वाले हैं. एंड देन आफ्टर हम लोग लाइगेशन ऑफ डीएनए करेंगे, यानी हम अपना जो डिजायर्ड पीस है उसको किसी एक वेक्टर से जोड़ देंगे, यानी हम प्लाज्मिड से जोड़ देंगे और आरडीएनए बना लेंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग फॉर्म कर लेंगे. देन आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, यानी जो आपने ये आरडीएनए बनाया था इसको अब आपके होस्ट में ऐड करना पड़ेगा, और होस्ट हो सकता है कि हम लोग ऐड करते हैं जो यूज करेंगे वो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं. एंड देन आफ्टर इसके बाद हम लोग इस बैक्टीरिया को कल्चर कराएंगे. कल्चर कराने का मतलब हम इसे कल्चर करा के ही तो अपने जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसको ऑप्टेन कर देंगे, है ना, यानी जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनने के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं इस स्टेप में. यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर हम लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेंगे, विच आर द स्टेप्स जिसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं. तो बेसिकली ये टोटल जो 9 स्टेप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, या हम लोग इसको समझने वाले हैं. सो आई होप कि आपको समझ में आने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला जो स्टेप होगा दैट इज डीएनए आइसोलेशन, या आइसोलेशन ऑफ डीएनए की बात हम लोग कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज द आइसोलेशन. आइसोलेशन मैंने हेडिंग भी डाल दी है यहाँ पे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है. आइसोलेशन का मतलब हो गया एक तरह से रिमूवल. रिमूव करना मतलब अपने डिजायर्ड पीस को वहां से निकालना, रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि हम किस चीज से निकालने वाले हैं. मतलब ये है कि अगर आपका कोई जो जीन है या जो डीएनए है वो प्लांट सेल में है, तो आप वहाँ पे प्लांट पार्ट या प्लांट सेल को लोगे, है ना, जिससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, या हो सकता है कि आप एनिमल सेल से उस प्रॉपर जो जीन है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एनिमल सेल ली जाएगी. इनकेस अगर आप, हो सकता है, बैक्टीरिया सेल से निकालना चाहते हैं तो बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है. एंड देन आफ्टर अगर आप लास्टली आप फंगस सेल से निकालना चाहते हैं तो फंगस सेल हो जाएगा. ये डिपेंड करता है कि वो जो जीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब किस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके अपने जीन आप निकालो,
ठीक है, तो सभी को स्टडी करेंगे थोड़ा थोड़ा। हम लोग देखते हैं पहला हमारा क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल की बात हम लोग करते हैं, प्लांट सेल। तो अगर हम लोग प्लांट सेल देखें तो हम लोगों ने देखा है कि प्लांट जो सेल होती है उनमें आउटर जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है ना। और ये सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है बेटा किसकी, सेल्यूलोज की, है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने वाली है, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियस, है ना। मैं और कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, जो हमें रिक्वायर्ड है जिसे हमें समझना है वही बना रहा हूँ, बाकी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे प्लांट से कैसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। तो इन तीनों मेम्ब्रेन को ब्रेक करके, जैसे आपको किसी घर में घुसना होता है तो दरवाजा ओपन करके फिर आप अंदर जाते हो ना, बिना दरवाजा ओपन किए या बिना किसी ओपनिंग के आप एंट्री नहीं कर सकते ना। तो वैसे यहाँ पे सीन है कि बिना किसी एंट्री के हम एंटर नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, हम यहाँ पे एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसे हमने बोला है सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर देगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन सब चीजों की बनी होती है, तो इनके रिस्पेक्ट में जो भी एंजाइम्स आएंगे वो हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज जो है यहाँ पे यूज होता है। एंड ऐसे ही अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसमें अगर लिपिड की बात करें तो लाइपेज भी लिख लेते हैं, वरना आपको सर ने लिखा नहीं था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कॉम्पोजिशन लगभग ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसी से रिजॉल्व हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पे कोई आरएनए मॉलिक्यूल है और आप को सोचते हो कि आरएनए भी डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप आरएनएज भी यूज कर सकते हो, आरएनएज भी जो है वो यूज कर सकते हो इसको डाइजेस्ट करने के लिए। यानी आरएनए भी एक तरह का जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स जो है आप प्लांट सेल में यूज कर सकते हो। तो जब आप इतने सारे एंजाइम्स को यूज कर चुके होगे तो जो आपका डीएनए है वो नेकेड हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो अभी आपको विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटेड विद सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और वो भी चिल्ड, है ना, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच यानी इथेनॉल से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, और वो भी कैसा होगा, चिल्ड होगा बिल्कुल, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप ट्रीट करोगे तो यहाँ पे एक तरह से कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन जो होगा वो किसका होगा, डीएनए का होगा। डीएनए एक तरह से एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे डीएनए थ्रेड, और आप उसे आसानी से फिर इसके बाद आप क्या करोगे, स्पूलिंग करोगे, और स्पूलिंग करके इसको रिमूव कर लोगे और आपका जो डीएनए है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपने प्लांट सेल से डीएनए को रिमूव कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें कि प्लांट सेल से आपने डीएनए रिमूव कर लिया, तो अगर आप देखें तो और किसी प्लांट की या और किसी सेल की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा एक टाइप ऑफ सेल था, जैसे अभी हम लोगों ने एनिमल सेल की बात की, एनिमल सेल। तो यहाँ पे एनिमल सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल में आपको पता है कि देर इज नो सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेल वॉल होती ही नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब हम सेलुलोज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अदर एंजाइम्स जो होंगे जैसे कि प्रोटीज वगैरह का, उनका यूज आप कर लेंगे, और आपको प्रॉपरली जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ था वैसा ही प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, यानी आपको अपर डीएनए मिल जाएगा। इन केस अगर आपकी जो सेल है वो फंगल सेल है, फंगल सेल में आपका जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये काइटिन की बनी होती है, दैट्स व्हाई वी यूज काइटिनेज एंजाइम, इसी वजह से हम काइटिनेज एंजाइम को यूज करते हैं बेटा। और काइटिनेज एंजाइम को यूज करने के बाद जो हमारा काइटिन है वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर बाकी का प्रोसीजर वही होगा, प्रोटीजेस ऐड करेंगे, प्रोटीनेज
लिपिड्स के लिए लाइपेसिस ऐड करेंगे, और भी कुछ होंगे, तो सभी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स का यूज कर लेंगे और हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारा डीएनए फ्री हो जाएगा, और फिर बाद में हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करके वहाँ पे हम उसे रिमूव कर देंगे, है ना। अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल के लिए आप एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम का यूज आप करते हैं बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, इट कैन डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है। आपको शायद तो दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे भी काफी स्पेस आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है आइसोलेशन ऑफ डीएनए का, किस तरह से हम डीएनए को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं बिना फर्दर देख के, क्योंकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि टाइम बहुत कीमती है लोगों के लिए, तो जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा क्या है देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है यहाँ पे बेटा, कि हम अपने जो डिजायर्ड जीन था या डिजायर्ड डीएनए था उसको हमें बेसिकली फ्रेगमेंट्स में नहीं किया, क्योंकि हमारा जो जीन होगा किसी एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट के पास होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं इंटायर डीएनए हमारा ही एक डिजायर्ड जीन है, ऐसा तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज एंजाइम दैट कैन कट द डीएनए, जो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर सके। और इसके लिए सबसे बेहतर जो एंजाइम्स हैं वो आपके हैं न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं एक्चुअली दे कैन डाइजेस्ट द डीएनएज या न्यूक्लिक एसिड, सिंपली न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, अगर हम उनकी बात करें तो एक होता है हमारा इंडो न्यूक्लियस और दूसरा जो हमारा है उसे हम कहते हैं एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। इंडो न्यूक्लियस कैन कट द डीएनए इन मिडिल या समवेयर इन मिडिल, कहीं पे भी मिडिल में कट कर सकते हैं ये। एंड ये की बात, इसकी बात करें एक्सो न्यूक्लियस की, तो कैन कट द टीएनए एट टर्मिनल, तो टर्मिनल पे कट करते, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो एंजाइम, जो हमारा डीएनए है वो हमने इस टेस्ट ट्यूब में ले रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा डीएनए है और हमने इसमें ऐड कर दिया आपका इंडो न्यूक्लियस जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही आप इंडो न्यूक्लियस ऐड करोगे, तो इंडो न्यूक्लियस ऐड करने के बाद आपके पास बहुत सारे जो है फ्रेगमेंट्स आपको नजर आने लगेंगे, यानी फ्रेगमेंट्स नजर तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ आपके डीएनए के जो डीएनए था लॉन्ग लेंथ वाला वो अब कई सारे पीसेस में ब्रेक हो चुका होगा। देयर इज अ चांसेस कि कोई बड़ा पीस हो कोई छोटा पीस हो, बट यहाँ पे बहुत सारे पीसेस यहाँ पे बन जाएंगे। और आपको पता है इंडो न्यूक्लियस की खासियत क्या होती है, दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस या फिर पॉइंट्स की बात हम लोग करें, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट या फिर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जाके कट करते हैं, है ना। इनकी बात हम लोग करेंगे अभी जब और भी लेक्चर अभी आएंगे आपके, तो उसकी बात करेंगे किस तरह के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये इस तरह से आपके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं, जिसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस डीएनए के पास बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस टाइप होंगे, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे, मान लें यहाँ पे भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये डीएनए यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी कट करेगा और यहाँ से भी कट करेगा, ये डीएनए के तीन टुकड़े हो जाएंगे इस तरह से, ऐसे करके चार टुकड़े हो जाएंगे आपको नजर आने लगेंगे, है ना।
तो कुछ इस तरह से आपका जो डीएनए है वो कट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो इंडोन्यूक्लियस है वो अगर GAA TTC इसके बीच में कट करता है ना, तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें इस सीक्वेंस को कट करता है और इस सीक्वेंस में भी जी और ए के बीच में कट करता है, ठीक है, तो वो कैसे कट करेगा देखते हैं। यहाँ पे ये सी है बेटा, ठीक है, सी है, तो यहाँ पे कैसे कट करेगा, ये यहाँ पे जी और सी के बीच में कट करेगा, यहाँ पे जी और सी के बीच में कट करेगा, और एक आपको एंड जो है वो मिल जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे एंड जब आपके एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं बेटा, तो ऐसे एंड बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, और ये आपके पाए जाएंगे इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच में, जो आपका डिजायर्ड मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में भी ये एंड जो है अवेलेबल होंगे, ठीक है बेटा। एक और तरह का एंड जो है वो बनता है जिसे हम ब्लंट एंड कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई सेगमेंट कुछ इस तरह से कटा हो, यानी सीधा सीधा बीच से कट गया होगा, मान लो यहाँ से कट जाता, तो ये इस तरह से एंड जनरेट होते हैं और इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड। इनको इजिली ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिकी एंड को इजिली ज्वाइन कर लेते हैं यूजिंग द लाइगेज, इसके बाद भी हम लोग आगे करने वाले। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम इंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। इंडोन्यूक्लियस एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंजाइम्स की, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस फैमिली में दो तरह के बेसिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि आपको एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया गया। और एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बताया गया दैट दे कैन कट द डीएनए फ्रॉम टर्मिनल, है ना, एट टर्मिनल समवेयर। और अगर हम लोग बात करें इंडोन्यूक्लियस, सो दे कैन कट द डीएनए इन मिडिल में यहाँ पे कट कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो है वो कई सारे फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में इन्होंने कट कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे इन फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आइसोलेशन ऑफ इसमें हम लोग करेंगे आइसोलेशन, आइसोलेशन में हम लोग बेसिकली करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा यहाँ पे आपको, बहुत ज्यादा टाइम टेक नहीं लेंगे, क्योंकि तो ये स्टेप आप पहले भी या बीच में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बस एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि एक हमारे पास जेल प्लेट होती है, ये हमारी क्या है, जेल प्लेट, दिस इज द जेल प्लेट, एंड इस जेल प्लेट में पूरे एरियाज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है ना, हर जगह पे क्या होता है, एक जेल स्प्रेड हो किया जाता है, जिसे हम एगर या फिर हम एग्रोज जेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके टॉप साइड में अगर आप देखोगे, इस कि टॉप साइड में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके टॉप साइड में आपको छोटे छोटे से वेल्स नजर आएंगे, डिप्रेशंस नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं वेल। यहाँ पे इसके साइड में यहाँ पे आपको इस तरह से छोटे छोटे डिप्रेशंस नजर आने वाले हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं वेल्स क्या है, तो ये हमारे क्या है वेल, ठीक है, ये आपके वेल्स है। अब जो ये वेल्स वाला रीजन होता है, इधर लगा होता है हमारा कैथोड, यानी ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, और इधर लगा होता है एनोड, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है। तो जब भी आप अपने पीस ऑफ डीएनए को यहाँ पे ऐड करते हो, तो सीविंग इफेक्ट के थ्रू, यानी सीविंग के, क्योंकि हमारी जेल प्लेट जो होती है, जेल जो होती है थोड़ी पोरस होती है, तो सीविंग इफेक्ट के थ्रू और जो हमारा डीएनए होता है, आपको पता होगा कि डीएनए जो है दैट इज डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी पॉजिटिव कैथोड की तरफ चला आएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ चला आएगा, और ये कुछ इस तरह से जो अलाइनमेंट है वो बन जाएंगे, जो लार्जर वाले होंगे वो ऊपर साइड में रह जाएंगे, और जो स्मॉलर वाले होंगे वो नीचे साइड में आपको अरेंज हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जो ज्यादा स्मॉल होगा
वो उतना ही आगे ट्रेवल करके प्लस जो आपका एनोड है उसकी तरफ मूव करके आ जाएंगे। तो ये एक तरह से आपने अपने जल प्लेट पे इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। और देन अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपने जेल प्लेट रखी है इसमें एक स्टेप्स और इन्वॉल्व करते हैं, या तो आप ऑटो रेडियोग्राफी करें अपने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को निकालने के लिए, या फिर आप इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करें जिससे आपके जो पीसेस होंगे वो विजिबल हो जाएंगे अंडर यूवी लाइट। ये यूवी लाइट के अंदर में क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, तो आसानी से आप उसे देख सकते हैं। और फिर जब आप देख सकते हैं तो इल्यूजन की हेल्प से, इल्यूजन की हेल्प से आप डीएनए फ्रेगमेंट को, जो आपका फ्रेगमेंट होगा उसे सेपरेट कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। जैसे चम्मच से आप घी निकालते हैं ना, वैसे ही इल्यूजन होता है कि मान लो अगर आप डिजायर्ड पीस आपका जो है वो ये वाला है ना, तो आप इसे क्या करोगे, स्पूलिंग कर स्पून से ऐसे करके निकाल लोगे, यानी स्पैचुला से, एक तरह से स्पून तो नहीं होगा, स्पून तो नहीं होगा, स्पैचुला वगैरह से आप इसे निकाल के और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, है ना, आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है बेटा। देन आफ्टर हम लोग करेंगे एम्पलीफिकेशन। जब आपको पता है कि आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो है वो आइसोलेट हो चुका है, और मान लीजिए कि आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए ये वाला है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कुछ ही कॉपी है, यानी एक दो ही या कुछ ही कॉपी है, तो इसको हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने वाले हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम मॉलिक्यूल्स को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली हम लोग देखते हैं तो तीन स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, यानी तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ये आपका डीनेचुरेशन है। फिर इसके बाद आता है एनीलिंग, एनीलिंग में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद आपका आता है लास्ट स्टेप एक्सटेंशन, ठीक है। ये बेसिक से थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा आपके, किसमें, आपका जो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पलीफिकेशन वाला, तो एम्पलीफिकेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा, आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं हम लोग, क्या चीज, डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन, ठीक है। डी नेचुरेशन के केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डीएनए सेगमेंट है वो, क्योंकि डबल हेलिकल है, डबल स्टैंडर्ड है, तो ये जुड़े होंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह से, है ना। तो इसका क्या है, सेपरेशन, डी नेचुरेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं डी नेचुरेशन। तो यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट जो दोनों है वो सेपरेट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट हो गए हैं। अब सेपरेशन हो गया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, विच इज एनीलिंग। और एनीलिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्राइमर, और ये जो प्राइमर होते हैं ये लगभग 8 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, ठीक है, 8 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, या 10 से 20, अलग अलग बुक्स जो है वो अलग अलग तरह की सिचुएशन लिखती हैं, ठीक है। मतलब इतना आपको समझ रहा है कि ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे जब प्राइमर का एडिशन हो रहा है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, इसका भी एडिशन होता है आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द आरएनए प्राइमर, या प्राइमर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, एंड
ये जो डीएनए पॉलीमरेज है कोई ये नॉर्मल पॉलीमरेज नहीं होता है बेटा, ये कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज, ठीक है। और ये टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसे हम थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं। थर्मस एक्वाटिकस की खास बात यह है कि दे कैन सर्वाइव एट एक्सट्रीम कंडीशन, दे कैन सर्वाइव एट एक्सट्रीम कंडीशन, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसी वजह से क्या हुआ, नॉर्मली जो एंजाइम होते हैं आपने देखा होगा कि वो उनकी जो एक्टिविटी होती है हाई होती है तो उनकी एक्टिविटी फिर भी कम हो जाएगी, तो इसलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये जो थर्मस एक्वाटिकस है ये हाई टेम्परेचर पे रहता है, मतलब करीब 70-80 डिग्री 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे आसानी से जो ये हाई टेम्परेचर में अपने रिएक्शंस को परफॉर्म कर लेता है ना। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंशन करना था, लिख देते हैं यहाँ पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड होता है टेम्परेचर, जबकि एनिलिंग के केस में अगर हम लोग बात करें तो एनिलिंग जब होती है तो यहाँ पे 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो देखा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए पर यहाँ पे स्पेसिफिक 72 और 92 ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो सेगमेंट था ये वाला था और ये वाला था, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर जो है वो आके ऐसे करके बाइंड कर जाता है, कुछ यहाँ से इस तरह से आरएनए प्राइमर बाइंड कर जाता है। अगर आपका जो डायरेक्शन है डीएनए स्ट्रैंड की वो ये है 3S2-5, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा जो प्राइमर है वो 3' पे ही आके जुड़ने वाले हैं, है ना। 3' पे ही जुड़ेंगे और उसके बाद पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो हमने लिखा ये क्या है, तो ये प्राइमर थे और प्राइमर के ऐड होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज वर्क करने लगता है, यानी यहाँ पे एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट हो जाता है, एक्शन ऑफ टैग पॉलीमरेज लिख देते हैं, टैग पॉलीमरेज। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एक कैटलिस्ट होता है Mg+2, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही होती है ना बेटा। तो अब जब ये रिएक्शन हो जाती है आपका, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हम लोग देख रहे थे, तीसरा स्टेप की बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, यानी जो आपके सेगमेंट थे वो कुछ इस तरह से रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे प्राइमर ने बाइंड किया था तो प्राइमर अब क्या करता है, पूरे सेगमेंट को बना देता है और प्राइमर पहुंच जाता है यहाँ, ठीक है। ऐसा ही सेम केस यहाँ होता है कि यहाँ पे प्राइमर जुड़ा होता है तो प्राइमर पूरे सेगमेंट को बना देता है और प्राइमर पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये इसके सेगमेंट को बना देता है, नए सेगमेंट को, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे, यानी जो रेप्लिकेशन है वो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, और इसी प्रोसेस को बोला गया एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटा। तो ये 3 स्टेप बेसिकली पीसीआर में इन्वॉल्व होते हैं, और इस 3 स्टेप को कंप्लीट होने के बाद अराउंड अगर हम लोग बात करें तो 1 बिलियन कॉपीज जो है वो जनरेट हो जाती है। कितनी, 1 बिलियन कॉपीज जनरेट हो जाती है इन 30 साइकिल, 30 साइकिल में ही कितनी 1 बिलियन कॉपीज जो है वो जनरेट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हम कह सकते हैं पीसीआर, जिसमें हम लोगों ने एम्पलीफिकेशन किया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बिलियन कॉपीज में है, तो हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।